टॉपिक है, कोई सॉरी कहना चाहता है लेकिन क्यों, ठीक है। तो हमने लिए टोटल दो ऑब्जेक्ट्स, पहला ये टैरो एंड सेकेंड इज फर्टाइल ओरेकल। लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफल। ओके, तो देखते हैं क्या कार्ड आते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। चलो, तो 7 कार्ड आ चुके हैं और अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है फ्रॉम दीज 7 कार्ड्स, ठीक है। कभी कभी होता है ऐसा कि सॉरी कहने का दिल करता है लेकिन क्यों, तो उसका जवाब हम यहाँ पे पाना चाहते हैं। ओके, सो जो पहला कार्ड है यहाँ पे, एज वी कैन सी दिस इज द टेम्परेंस, ठीक। आप ये कार्ड देख सकते हैं, इट्स ऑल अबाउट सेगटेरियस। तो ये है फायर साइन का कार्ड एंड एज यू कैन सी यहाँ पे कंटेम्पलेशन होता है, ठीक है। बैलेंसिंग करना ये फोर्टे है इस कार्ड का। ओके, एंजल भी इसमें प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे मतलब आता है कि देखो, ये पर्सन जो है वो या तो अपनी कार्मिक गलती को स्वीकारना चाहता है, ठीक है। कई बार हम गलत कर्म करते हैं, जैसे कि मान लो गाली देना या फिर झूठ बोलना या फिर किसी का दिल दुखाना, ये हो गया गलत कर्म करना। तो गलत कर्म की जो पनिशमेंट मिलती है वो तो जब मिलेगी तब मिलेगी, ठीक है। लेकिन दूसरी सबसे जो ज़रूरी बात होती है वो ये है कि जब कोई गलत कर्म होता है तो हमारा मन जो है वो सबसे भयानक हमें यातना देता है और पल पल हमारा मन जो है वो हमें कोसता रहता है। बस वही बात है और ये पर्सन इस बात को झेल रहा है, बिकॉज ऑफ दैट अब ये और नहीं झेल सकता। इसलिए पर्सन चाहता है कि आप दोनों के बीच जो भी नेगेटिव इमोशंस है वो चले जाए एंड आप उसे तहे दिल से माफ करें। सेकेंड जो कार्ड है वो है द डेविल कैप्रिकॉर्न। ये तो है अर्थ साइन वाला कार्ड, ठीक है। कैप्रिकॉर्न आ गया यहाँ पे, लेकिन ये डेविल क्या कर रहे हैं, ठीक है। उसके छुपे हुए प्लान्स हो सकते हैं या फिर कहीं ना कहीं इसको लग रहा है कि जितना आप अच्छा समझते हो ये उतना अच्छा नहीं है। ओके, देखो कुछ रिलेशनशिप ऐसे भी होती है कि किसी को लगता है कि मैं किसी को भी झांसे में ले सकता हूँ, ओके, और फिर वो पर्सन ट्राई करता है कि चलो भाई कोशिश करता हूँ एंड लेट मी सी इफ़ आई कैन गेट समबडी टू वर्क फॉर मी और लाइक वाइज। लेकिन जब उसे एहसास होता है कि नहीं, ये तो पर्सन बहुत अच्छा है दिल का, तब वो अपने सारे राज खोलता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ एंड लाइक वाइज। तो आई थिंक कहीं ना कहीं अगर ऐसा हुआ है, आपने पाया है कि ये पर्सन आपको चीट कर रहा है, तो कभी कभी दिल का बोझ इतना बढ़ जाता है कि पर्सन खुद कमिट करता है कि भाई ये मेरी गलती है, अब मुझे पनिश करो। हालांकि पनिश करना या ना करना ये तो आपके ऊपर है, लेकिन जब आप पनिश नहीं करते तो इनको और ज़्यादा दुख होता है एंड दैट इज़ वॉट वी सी ओवर हियर, कि डेविल भी कहीं ना कहीं पर रो रहा है। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स। अब 7 ऑफ सोर्ड्स में सॉरी क्यों मांग रहा है, इसकी और एक वजह मिल रही है। ये है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस यानी कि एयर साइन का कार्ड। देखो कभी कभी कोई इंसान हमें बिना बताए चला जाता है, ठीक है, या फिर हमारे साथ धोखा करता है, फरेब करता है। वे पर्सन ऐसा कुछ भी हो सकता है, शायद इसने फाइनेंशियली किसी को डुबाया हो या फिर किसी का दिल तोड़ा हो, हर्ट किया हो, किसी का इस्तेमाल किया हो फन के लिए। तो ऐसे में क्या होता है ना कि इंसान अकेले में भी खुद को कभी कभी कोसता है, तो कभी कभी किसी को बेनामी चिट्ठी मिलती है कि आई एम सॉरी, बेनामी ईमेल आते हैं, मैसेज आते हैं अननोन नंबर से, आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी। हम सोच नहीं सकते कभी किसने भेजा ये, लेकिन कहीं ना कहीं पर्सन का दिल उसे कहता है कि भाई तुमने गलती की तो अभी तुम ही को इस चीज़ को सुधारना पड़ेगा, ठीक है। जो कार्ड है वो व्हील ऑफ फॉर्चून। देखो किस्मत जो है वो इसका साथ नहीं दे रही है, किस्मत इसकी बदल रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड हमेशा पॉजिटिव, मतलब देखो ये तो कार्ड रहता ही है, अब पॉजिटिव लेना नेगेटिव लेना वो तो अपने अपने ऊपर है। लेकिन हम जब कहते हैं कर्मों का बैलेंस होना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द गेम, क्योंकि गेम में क्या देखना चाहते हैं हम, फेयर गेम। फिर चाहे कोई जीते या हारे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ गेम में सबने फेयरली गेम खेला, मतलब कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई पाश्चर्य नहीं, बस अपना अपना गेम। तो यही है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, भाई आपको अपनी कर्मों की सजा भी मिलेगी और कर्मों का बख्शीश भी मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अभी इनकी सज़ा का वक्त हो गया है, बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन जो है वो चाहता है कि भाई इसका कर्म जो है इसे ठेस ना पहुँचे, इसलिए वो कर्म सुधारना चाहता है, ठीक है। ये उसके लिए स्पिरिचुअल आंसर फ्रॉम दी
मेजर कारण, नेचर कार्ड है नाइन ऑफ वंड्स, ये काफ़ी वेट कर रहा है, इनफैक्ट ये पनिशमेंट की वेट कर रहा है। ठीक है, अगर यूँ कहें कि भाई इसने आपका दिल तोड़ा है तो हाँ, अगर आप चाटा भी मार सकते हो इसे और मारना चाहते हो तो भी इस पर्सन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सबके सामने भी इसको गाली देते हो, बद्दू बार देते हो तो भी इसको प्रॉब्लम नहीं है। बस द थिंग इज़ दैट कि ये पर्सन अभी और झेल नहीं सकता। ओके, अंदर ही अंदर घुटन सी महसूस हो रही है इस पर्सन को, और इसलिए पर्सन चाहता है कि भाई आप इसे माफ़ कर दो या फिर सज़ा दो। ओके, ताकि ये पर्सन छूट जाए इस बुरे कर्म के चक्कर से। ऐसे काटे हुए थे एम्परर यानी कि एरीज, यानी कि जो एक पोजीशन होती थी एम्परर की कि मुझे कोई झुका नहीं सकता, वो जो पर्सन खुद झुक चुका है। एरीज का कार्ड है फायर साइन का कार्ड, यही बात है कि ये पर्सन आपसे खुद भीख मांग रहा है कि भाई प्लीज़ फॉरगिव मी और प्लीज़ पनिश मी, क्योंकि अब ये और झेल नहीं सकता। इमेजिन अगर आपने भी ऐसे दिन काटे हैं जहाँ पे आप को नींद नहीं आती थी, बुरे सपने आते थे, आप रोते थे, बिल्कुल ऐसा ही इनके साथ हो रहा है। हालांकि आपको गम था कि इन्होंने छोड़ दिया, और इनको गम है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। गम की वजह अलग है लेकिन परिणाम एक जैसे हो रहे हैं। एंड जो फिनाले कार्ड है वो द हर्मिट, वर्गो का कार्ड, वर्गो जो रास्ता दिखाते हैं, एंड वर्गो एक स्पिरिचुअल कार्ड में भी आता है, मतलब इट्स ऑल अबाउट द कनेक्शन विथ योर रूट साइन। ठीक है, ये पर्सन बदलना चाहता है, अपने अंदर चेंजेस लाना चाहता है, इसलिए इसको शायद किसी ने गाइडेंस किया है, शायद ये थेरेपी ले रहा हो किसी से, काउंसलर हो इसका कोई या फिर कोई साइकोलॉजिस्ट हो जो इसे गाइड कर रहा है, और इसको कहा गया कि भाई तुमने जो भी गलतियाँ की उसको सुधार लो। दैट इज़ व्हाट द पर्सन इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद यू। ठीक है, ये था रिगार्डिंग दी टैरो, और अब देखते हैं कि फेरेट ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, बस चुनने हैं कुछ कार्ड, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, चलो जितने कार्ड मुझे लगे कि इफेक्ट डाल सकते हैं वो सब ले लिए हैं। ठीक है, सो अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ओके, मैं कार्ड नंबर से मतलब एज पर देयर लगा देता हूँ ताकि हमें वापस से वो लगाने ना लगे। ठीक है, चलो भाई आ गए कार्ड्स, एंड हियर वी गो, सपोर्ट यू। ये पर्सन अभी सपोर्टिव बन चुका है, तो कहीं ना कहीं जो ये गलती कर रहा था अपने पास में वो भी गलती सुधारना चाहता है, एंड अभी ये पर्सन सपोर्टिव बन चुका है। तो अगर आपको इनसे कोई भी चीज़ चाहिए, फिर कोई भी अगर हेल्प चाहिए तो आपको ज़रूर हेल्प कर सकता है ये पर्सन। सेकेंड जो कार्ड है पैशनेट, तो ये पर्सन भी पैशनेट बन चुका है। अब ये डिपेंड करता है कि आप इसके बारे में पैशनेट थे या नहीं थे, लेकिन अब ये पर्सन चाहता है कि भाई हाँ भाई आई एम पैशनेट फॉर यू, व्हाटएवर योर डिमांड इज आई कैन फुलफिल इट टू यू, बिकॉज मुझे मेरी गलती समझ में आ चुकी है। जो कार्ड है एंगेजमेंट, यानी कि एंगेजमेंट तक बातें जा सकती हैं या फिर गई थी, और ये बात इस पर्सन को बार बार याद आ रही है। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन कन्फेस करना चाहता है कि जो भी इसने गलत चीज़ें की जिससे आपको ठेस पहुंची, ये पर्सन इस बात को सुधारना चाहता है। एंड एवरीबडी डज सम मिस्टेक, हम सब कभी ना कभी कोई छोटी मोटी गलती करती हैं, तब जो सिचुएशन होती है कि कभी कभी हमारा मन अंदर से तकलीफ देता है, वही इनके साथ हो रहा है। एक जो कार्ड है वो है एंड ऑफ रिलेशनशिप, एज यू कैन सी इसके बाद जो कार्ड आ गया एंगेजमेंट के बाद एंड ऑफ रिलेशनशिप, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि या तो इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है। ठीक है, सो अगर ऐसा है तो आपके बारे में, या फिर इट इज़ ऑल अबाउट एन एक्स और थर्ड पर्सन जिसने एंड करने की कोशिश की कि तुम्हारा जो भी अच्छा है मैं छीन लूँगी। ओके, तो ये कहीं ना कहीं हुआ, और फिर बाद में इस पर्सन को पछतावा हुआ। एज यू कैन सी ये कमिटमेंट का कार्ड, और उसके बाद आ गया एंडिंग का कार्ड, मतलब ये सही तरीके से एंड नहीं हुआ। अब ये पर्सन जो गुजर रहा है वो है इमोशनल चैलेंज से। भाई आपने तो शायद अपने आप को संवार लिया है किसी न किसी तरीके से, फैमिली के थ्रू, फ्रेंडशिप के थ्रू, थेरेपी के थ्रू, लेकिन अब इस पर्सन को कौन सा सहारा देगा। ठीक है, नेचर कार्ड में न्यू इंस्पिरेशन, तो कोई एक नया पर्सन इसकी ज़िंदगी में आ चुका है जो इसको गाइड कर रहा है। ये उसका डॉक्टर हो सकता है, इसका फ्रेंड, इसका नेबर, इसका मोटिवेटर, इसका मेंटोर भी हो सकता है। ठीक है, बिकॉज इस पर्सन को लग रहा है कि भाई मैंने जो भी गलत किया मुझे वो सुधारना ही है। हर्मिट का कार्ड जो आ गया था इसी के बारे में है, रिकनेक्शन, तो आपसे वापस से रिकनेक्ट होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भाई लेट मी टॉक टू यू,
एक बार बात तो करने दीजिए तो फिर मैं आपको समझा दूंगा कि भाई क्या गलती हुई और अब आप क्या करना चाहते हो या क्या कर सकते हो। अब फाइनल दो कार्ड बचे, उसमें से पहला कार्ड है वो है इमोशनल सपोर्ट एंड नेक्स्ट कार्ड है कनेक्शन एट सोल लेवल। तो अभी ये पर्सन आपको गुमराह नहीं कर रहा, अभी एक्चुअली अंदर से टूट चुका है, बिकॉज ऑफ दैट अभी पर्सन आपके दिल से कनेक्ट हो रहा है। अगर आपको भी लग रहा है कि हाँ भाई ये पर्सन सच्चा मैटर बोल रहा है, मुझे सच्ची भावनाएं मुझे बयां कर रहा है, तो हाँ वो हो सकता है। लेकिन बस यहाँ पे एक ही चीज़ होगी कि आपको इस पर्सन को या तो फॉरगिव करना है या तो पनिश करना है, ठीक है। अगर आप फिर भी चाहते हैं इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि ये रीडिंग बस इतना ही बताता है कि अभी ये पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, बाद में ये पर्सन क्या करेगा ये यहाँ पे नहीं दिख रहा। सो जो सिचुएशन राइट नाउ है वो मुझे आपको बतानी थी, जो मैंने बताई। रेजोनेट हुआ तो एक्सेप्ट कीजिए, नहीं हुआ तो जाने दीजिए। इतना रीडिंग आई होप।